हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उनके लिंक हैं, उनसे क्लिक करें और जरूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। वॉट इज जॉन्सीज इलनेस, वॉट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। जॉन्सी की इलनेस क्या है एंड उसको ठीक क्या कर सकती है, मेडिसिन या जीने की इच्छा, विलिंगनेस टू लिव। सो ऑफकोर्स जॉन्सी की इलनेस टू फोल्ड थी। एक तो एक फिजिकल इलनेस थी, उसको निमोनिया था एंड उसका ठीक होना डेफिनेटली मेडिसिन पे डिपेंड करता है, बट साथ ही साथ उसको डिप्रेशन भी था एंड दैट इज अ मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस। एंड उसको ठीक करने के लिए यू नीड लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन टू गेट बेटर। बट इनफैक्ट निमोनिया के लिए भी और एनी फिजिकल डिजीज पार्टली यू शुड ऑल्सो हैव दिस विलिंगनेस टू गेट क्योर्ड। ऐसा आपके अंदर इच्छा होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, बुखार या यू नो ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दैट काइंड ऑफ ऑल्सो हेल्प द मेडिसिन टू क्योर यू बेटर। तो एक विलिंगनेस टू लिव होनी चाहिए इन एनी केस, इधर इट इज मेंटल और फिजिकल। सो वी वुड से कि दोनों इंपॉर्टेंट है। जॉन्सी कॉन्ट्रैक्टेड निमोनिया एंड वॉज ऑल्सो डिप्रेस्ड। ऑल द निमोनिया कैन बी क्योर्ड ओनली बाय मेडिसिन एज इट इज कॉज बाय लंग इन्फेक्शन। पेशेंट्स मेंटल हेल्थ ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट। सो इवन दो निमोनिया मेडिसिन से ट्रीट होता है क्योंकि लंग इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी होती है, बट पेशेंट का मेंटल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके ट्रीटमेंट में। ऑन द अदर हैंड डिप्रेशन इज अ मेंटल डिसऑर्डर विच रिक्वायर्स विलिंगनेस टू लिव एंड फाइंड हैप्पीनेस अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन फॉर इट्स ट्रीटमेंट। और दूसरी जगह डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें यू नीड विलिंगनेस टू लिव एंड फाइंड हैप्पीनेस। खुशी ढूंढने में आपको एक मेहनत करनी पड़ती है कि आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें या दुख रहने की कोशिश ना करें। एंड ऑफकोर्स डिप्रेशन के लिए भी कुछ मेडिसिन आती ताकि आपको इस जर्नी में एक हेल्प मिल सके। वी वुड से कि मेडिसिन और विलिंगनेस टू लिव दोनों इंपॉर्टेंट है। Do you think the feeling of depression Jonsi has is common among teenagers? तो क्या आपको लगता है कि ये जो depression की feeling है जो Jonsi को है वो teenagers में आम बात हो गई, अब common है? So teenage years ऐसे भी बहुत difficult होते हैं। You are going through the teenage, आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितना difficult है ये एज। But as years are passing, जैसे अगर कोई teenager था 1990s में, for example जब मैं एक teenager था तब का जमाना और अब जब आप टीनेजर हो अब का जमाना, बहुत से चेंजेस आए हैं। आई मीन जब मैं टीनेजर था तब सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इवन डे टू डे वर्क, लोगों से फ्रेंडशिप करना एंड लोगों से इवन क्लास वर्क करना, आप सब कुछ ये थ्रू ऐप करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू ऐप्स करते हैं। तो इट इज़ वेरी मच डिफरेंट जब हम टीनेजर्स थे। तो आपका जो पूरा सोशल इंटरेक्शन है वो चेंज हो चुका है एंड इस चीज पे हम स्ट्रेस करके थोड़ा बोल सकते हैं कि यस, डिप्रेशन जो है थोड़ा सा कॉमन होते जा रहा है टीनेजर्स में। सो टीनेज इज अ हार्ड टाइम। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस जमाने में पैदा हुए हैं, टीनेज इज अ हार्ड टाइम, इट इज, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी फिगर्ड आउट अबाउट द वर्ल्ड, सोशल ऑर्डर, कैरियर एंड द बॉडी। तो इस समय आपको बहुत कुछ फिगर आउट करना होता है। फिगर आउट करना यानी बहुत कुछ समझना होता है इस दुनिया के बारे में, सोशल ऑर्डर के बारे में। सोशल ऑर्डर यानी कि आपकी प्लेस क्या है, आपको किस तरह से सोसाइटी में खुद को फिट करना है। कैरियर के बारे में, कैरियर आप आगे जाके आपका वर्क लाइफ कैसा रहेगा, किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। एंड दी बॉडी, एंड बॉडी को फिगर आउट करना होता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं आपके बॉडी के अंदर। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। इट कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर टीनेजर्स टू बैलेंस एकेडमिक्स, इनर इमोशंस, सोशल प्रेशर्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। एंड ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। ओवरवेलमिंग होना यानी जब आपके ऊपर इमोशंस बहुत हैवी हो जाते हैं, टू मच टू हैंडल। क्यों? क्योंकि आपको एकेडमिक्स बैलेंस करनी होती है, आपके अंदर के जो इमोशंस हैं आपको समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। सोशल प्रेशर, सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं आपसे कि आपको इस तरह से बिहेव करना है, अब आप इस उम्र में आ चुके हैं तो आपको ये करना चाहिए। फिर ऑब्वियसली सोशल प्रेशर से इंस्पायर्ड आपके फैमिली के भी प्रेशर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली के कुछ और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं आपसे कि आप इस
ये करें आप अपने कैरियर में एक्सेट्रा, तो उन एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना, तो ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कुछ एकदम से हमारे सर पे आ गया है। मैनी टीनेजर्स दस फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ डिप्रेशन व्हेन दे फील दे आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ देम। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन एक्सपेक्टेशंस से क्या होता है, बहुत सारे टीनेजर्स जो है डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अचीव नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं एक्सपेक्टेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा मैंने देखा है। और एटलीस्ट जिस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है एक्सपेक्टेशंस को, बिकॉज अगर बोला जाता है आपको कि लेट्स से यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर या यू हैव टू गेट इन टू IIT या यू हैव टू बिकम अ CA, तो तब आपको लोग ये नहीं कहते कि इट्स पॉसिबल कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो पाए, सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट लग सकते हैं, तो आपको ये कोई नहीं बोलता है कि इट्स ओके कि अगर आपके अटेम्प्ट नहीं मल्टीपल अटेम्प्ट में आपका हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूरी नहीं है। बट अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, देन आप सोचते हैं कि मैं इनफ नहीं हूँ, काश मैंने मेहनत की होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको लोग ऐसा बोले कि तुमने पढ़ाई नहीं की, बिकॉज ये एज ऐसी डिफिकल्ट है, कभी कभी पढ़ाई भी नहीं होती अच्छे से बिकॉज सो मच इज गोइंग ऑन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ऐसी फीलिंग हो सकती है टीनेजर्स को कि यू आर नॉट एबल टू डू, आप वो नहीं कर पा रहे जो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। मोर ओवर विद द इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन ऑफ सोशल मीडिया इन देयर लाइव्स, perfect seems to be the new normal and they set unnaturally high expectations for themselves which are almost impossible to achieve. Now, हमारे जमाने में क्या होता था कि हमारे पास इंटरनेट नहीं थी, जब हम टीनेज से गुजर रहे थे, मैं टीनेज से गुजर रहा था, तो हमारे पास इंटरनेट नहीं था एंड हमारा जो भी लेट्स से जो भी मापदंड या बेंचमार्क होता था कि हमें क्या अचीव करना है, वो हमारे फ्रेंड्स होते थे या लेट्स से हमारे रिलेटिव्स के बेटे बेटी कजन्स, तो उसका ये कजन ये कर रहा है या वो कर रही है या मेरा दोस्त ये कर रहा है, तो हम उसमें हमें पता होता। तो लेट्स से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मे बी शायद एक और दो लोग हमसे अच्छा कर रहे होते थे, कुछ लोग हमसे खराब कर रहे होते थे और कुछ पांच छह लोग हमारे जैसा कर रहे होते थे, तो हमें लगता ठीक है, इट्स नॉट सो बैड। बट सोशल मीडिया की वजह से क्या हो गया है, सब लोग अपने बेस्ट सेल्फ को प्रेजेंट करते हैं, यू नो, इवन दो रात भर वो रो रहे हों या पूरे हफ्ते रो रहे हों, उनकी लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ चल रही हो, लेकिन वो संडे को जाके एक अच्छी सी पिक डालेंगे एज इफ कि उनकी लाइफ परफेक्ट है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है, इनफैक्ट ये मुझे भी आजकल सोशल मीडिया से ऐसा फील होने लगा है कि सबकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, बट व्हेन वी कम टू रियलाइज, व्हेन वी मीट देम, रियलाइज कि यार इतनी परफेक्ट लाइफ नहीं है हमारी, इनफैक्ट मच बेटर, इवन दो मैं अच्छी फोटोज नहीं डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे लेट्स से, तो ये समझ उस उम्र में नहीं आती है। तो आपको क्या लगता है, परफेक्ट जो है नॉर्मल है, मतलब परफेक्ट लाइफ होना इज ए नॉर्मल थिंग, विच इज नॉट सो। आपके पास 100 इम्परफेक्ट डेज होंगे एंड एक परफेक्ट डे होगा 100 में से, एंड दैट शुड बी इनफ, दैट शुड बी गुड इनफ। तो ये परफेक्ट को नॉर्मल बना देना, ये भी क्या करता है, आपके दिमाग में एक अननेचुरल हाई एक्सपेक्टेशंस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक टीनेजर को देख रहे हैं जिसका बैकग्राउंड आपको पता नहीं है, बट आप देख रहे हो कि हर हफ्ते वो नए सिटी में जा रही है या ट्रेंडी क्लोथ्स पहन रही हैं एंड नए नए कंट्रीज जा रही है, तो आपको लगेगा मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, बट यू डोंट नो हर, आपको पता नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, हो सकता है कि दैट पर्सन इज सिंपली फेकिंग इट, यू नो, आजकल फेक करना बहुत ईजी है। सेकेंडली, हो सकता है कि ही और शी इज़ वेरी रिच, तो इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं कि आप अपने आप को कंपेयर करें, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, सो इट्स रॉन्ग टू कंपेयर योर सेल्फ विद सच पीपल। तो हाई एक्सपेक्टेशंस आप खुद से लगा देते हैं विदाउट नोइंग कि रियलिटी क्या है, एंड फिर क्या होता है कि आप उनको अचीव नहीं कर पाते हो, तो फिर आप जब अचीव नहीं कर पाते हो, देन यू गेट दिस फीलिंग कि आई एम नॉट इनफ, एंड दिस फीलिंग गेट्स यू इनटू डिप्रेशन। सो दिस इज व्हाट हैज़ बिकम अ रियली कॉमन इशू आजकल के टीनेजर्स में, एंड दिस इज काइंड ऑफ एन अलार्म ऑल्सो हम लोगों के लिए कि हम कैसे इस चीज से आप लोगों की मदद करें। बट ऑफकोर्स दीज आर वन ऑफ द रीजन्स, यू कैन राइट योर ओन रीजन्स बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू इट, एंड इन केस यू फील कि आप इस स्टेज में हैं कि आपका ऐसा डिप्रेशन जैसा फील होता है, तो यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन लेट्स से एक्सपीरियंस। बैरमैन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। सो बैरमैन का एक सपना है, क्या है वो, क्या वो सच होता है। Behrman was a painter who had a lifelong dream of making a masterpiece. The dream came true. He painted an ivy leaf on the brick wall opposite to the building where he lived. In fact, आप यहाँ तक खत्म कर सकते हैं answer, because second answer जो है, it is related to this question कि उसका masterpiece क्यों था वो masterpiece.
बट एनी वे, बेरमैन एक पेंटर था जिसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, एंड उसकी ड्रीम ट्रू होती है बिकॉज वो एक आईवी लीफ पेंट करते हैं ब्रिक वॉल में जो कि ऑपोजिट होती है उनकी बिल्डिंग के जहाँ पे वो रहते थे. इट वॉज सो रियलिस्टिक दैट जॉन्सी बिलीव दैट द लास्ट आई बिलीव वॉज स्टिल स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन द फॉर्म ऑफ आइसी कोल्ड विंड्स एंड द स्टॉर्म्स. वो इतना रियलिस्टिक था कि जॉन्सी को बिलीव हो गया कि लास्ट आई बिलीव जो है वो अभी भी वहीं पे खड़ा है, एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ गई, अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब होता है ऑल ऑड्स, या फिर मतलब होता है ऑल प्रॉब्लम्स या ऑल एडवर्सिटीज, जो भी चीज आपके लेट्स से अगेंस्ट है जो आप करने की कोशिश करें उसको आप ऑड्स कहेंगे. तो अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटीज जैसे कि आईसी कोल्ड विंड्स हैं या स्टॉर्म्स हैं, रेन स्टॉर्म्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो स्टिल सर्वाइव कर रहा है. ही ट्रूली मेड अ मास्टरपीस व्हिच गेव इंस्पिरेशन टू जॉन्सी टू लिव हर लाइफ अगेन. सो ऑफकोर्स मास्टरपीस का मतलब ये नहीं होता है कि ऑफकोर्स एक डेफिनेशन इनफैक्ट मास्टरपीसेस के होते हैं कि दे आर हाइपर रियलिस्टिक. हाइपर रियलिस्टिक का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा रियल लगते हैं, एज इफ यू रियली कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड द पेंटिंग. तो दैट इज हाइपर रियलिस्टिक, एंड यू कैन कॉल देम मास्टरपीस बिकॉज इट्स नॉट सो ईजी, बिकॉज आप कैमरा से फोटो लेते हैं एंड समबडी पेंट्स इट, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू पेंट इट. सो यू कैन कॉल इट अ मास्टरपीस बिकॉज यू आर एबल टू काइंड ऑफ फूल पीपल बाय मेकिंग इट लुक रियलिस्टिक. बट अनदर रीजन फॉर एनी मास्टरपीस, इनफैक्ट एनी थिंग, जो भी हिस्ट्री में है मास्टरपीस, आर्ट के मास्टरपीसेस देखते आ रहे हैं, दे आर नॉट देयर बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटिफुल और दे आर वेरी रियलिस्टिक. उनका वो मापदंड नहीं होता है, उनका मापदंड ये होता है कि वो कितना इंस्पायर करती है. सो आर्ट जो है हमारे लिए है, वो दे आर मेंट टू इंस्पायर अस, टीच अस समथिंग, कम्युनिकेट समथिंग रियली प्रोफाउंड. तो कोई भी ऐसी आर्ट पीस है जो जिसके सामने अगर व्यूअर खड़ा है, आप और मैं खड़े हैं और देख के हमें पता नहीं ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेट्स से अगर इट इज अबाउट सम मोटिवेशन, तो इफ इट इंस्पायर्स यू, इफ इट बिकम्स आइकॉनिक सिंबल ऑफ समथिंग, लेट्स एक रेवोल्यूशन का सिंबल बन गया बिकॉज इट इज सो इंस्पायरिंग, देन यू कॉल इट अ मास्टरपीस. सो यहाँ पे इट्स डेफिनेटली रियलिस्टिक, बट एक लीप को रियलिस्टिक बनाना मे नॉट बी अ वेरी हार्ड जॉब लेट्स से, बट क्योंकि उस मास्टरपीस का मोटिवेशन क्या था, उसको इंस्पायर करना कि वो लिव जिए अपनी लाइफ, एंड इसीलिए वो मास्टरपीस. एंड इनफैक्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर भी यही है. सो फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज बेरमैन्स मास्टरपीस, What makes Sue say so? So Berman का masterpiece क्या है, ऐसा क्या है उसमें जो Sue को ऐसा कहने के लिए बोलता है कि वो masterpiece है. So Berman painted an ivy leaf on the brick wall. This was masterpiece and the last painting before he died due to pneumonia. इसकी last painting थी. And then again whatever जो हमने ऊपर लिखा है, it was so realistic कि उसने believe कर लिया, उसे inspiration दी कि वो अपनी life वापस जिए. Now talk about it का एक क्वेश्चन है विच इज़ बेसिकली अ ग्रुप डिस्कशन, एंड आई रियली होप कि आपके टीचर्स इसको डिस्कस करें, अगर नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स आपस में मिलकर डिस्कस करें इस टॉपिक को. इट्स अ वेरी गुड टॉपिक एंड अ वेरी रियल टॉपिक. हैव यू एवर फेल डिप्रेस्ड एंड रिजेक्टेड, क्या आपने कभी डिप्रेशन फील किया है? डिप्रेस होना यानी लॉन्ग पीरियड तक अगर आप किसी चीज़ से सैड हैं, एंड डिप्रेशन में नॉर्मली क्या होता है कि आप खुशी महसूस करने के काबिल नहीं हो पाते. फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी ने आपका फेवरेट डिश बना दिया, आपके लिए केक ले आया लेट्स से, एंड लेट्स से आपका एक फेवरेट कार्टून आ रहा है, यू नो बचपन में जो आप देखते थे, एंड दैट थिंग यूज टू गिव यू हैप्पीनेस, आपको खुशी देती थी, पर अचानक से आपको खुशी देना बंद कर दी. सो दैट इज डेफिनेटली अ साइन ऑफ डिप्रेशन, एंड दिस इज ऑल्सो अ साइन आप दूसरों में डिप्रेशन डिटेक्ट करने में यूज कर सकते हैं कि दे आर सडनली डिजेक्टेड, यू नो कि स्माइल बहुत कम करते हैं, जेन्युइन स्माइल नहीं है उनकी, एंड रिजेक्टेड, एंड आप रिजेक्टेड फील कर सकते हैं बिकॉज आपके साथ आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाह रहे थे. सो हाउ डू यू ओवरकम सच फीलिंग? सो या तो आप डिप्रेस फील करें या रिजेक्टेड फील करें, तो उन फीलिंग्स को आप कैसे ओवरकम करते हैं, उनसे कैसे बैटल करते हैं. सो ओवरकम करना है ना डिफीट करना, उस पर काबू पाना. सो कंट्रोल यहाँ पे मतलब हुआ कंट्रोल, या लेट्स से डिफीट, उनको हावी नहीं होने देना खुद के ऊपर. तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. व्हाई आई से दिस इज इम्पोर्टेंट इज कि आप एक स्ट्रांग पर्सन हो सकते हैं अपनी क्लास में, जो अपनी रिजेक्शन की फीलिंग्स या डिप्रेशन की फीलिंग से सक्सेसफुली फाइट कर पा रहा है, पा रही है,
एंड आप इस एक्सपीरियंस को शेयर करके आप अपने क्लासमेट्स की मदद कर सकते हैं, एंड दिस वुड बी ए नोबल टास्क. इससे नोबल चीज आप इस एज में नहीं कर पाएंगे, लेट्स से हेल्पिंग अनदर पर्सन फाइट डिप्रेशन, लेट्स से. तो आप जब शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस, तो जो दूसरे लोग आपके क्लासमेट्स, अगर दे आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, तो उनको लगेगा कि अच्छा, मेरे जैसे मेरा फ्रेंड भी है या मेरा क्लासमेट भी, उसको सेम फीलिंग हो रही है. सो आई एम नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो डिप्रेशन इज वेरी ट्रिकी. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट यू एन आंसर, बट आई वुड से कि एक हिंट के तौर पे मैंने फ्रेम किया है. फर्स्ट इज डिप्रेशन इज वेरी ट्रिकी. डिप्रेशन बहुत ट्रिकी चीज है. आप नॉर्मली उदास हैं या आप डिप्रेस्ड हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, मुश्किल होता है. बिकॉज कभी कभी आपने देखो, लोग डिप्रेशन वर्ड को ऐसे ही एज अ फैशन ट्रेंड जैसा बन जाता है. आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो डिप्रेस्ड, जस्ट बिकॉज कि आपको अपनी फेवरेट चीज नहीं मिली, आई एम सो डिप्रेस्ड. इट्स नॉट डिप्रेशन, है ना. डिप्रेशन इज नॉट अ यू नो डे टू डे सैडनेस. डिप्रेशन इज अ सीरियस थिंग. तो इसलिए ट्रिकी हो जाता है टू रियली सी वेदर यू और समबडी एल्स इज रियली डिप्रेस्ड और नॉट. सेकेंड थिंग इज, लेट्स से यू आर डिप्रेस्ड, तो यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा साइन ये होता है कि जो पर्सन डिप्रेस्ड होता है, वो अपने आप को डिस्टेंस करने लगता है. दे डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम एवरीबडी. वो अलग कर लेता है खुद को, वो किसी को आने नहीं देता, अपने पास शेयर नहीं करने देता. एंड जबकि इसका इलाज क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, तो उससे ठीक होता है डिप्रेशन. इसलिए मैं ट्रिकी भी बोलता हूँ उसको, कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको दबा के रखती है. आपके इतने थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक, आप उन थॉट्स पे और सोचने लगते हैं ऐसा ऐसा नेगेटिव वे में, एंड आपको दबा के रखती है, आप निकल नहीं पाते हैं उससे. एंड जब आप लोगों से बात करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, यानी इस थॉट से रिलेटेड लेट्स से इतने सारे थॉट्स हैं. नॉर्मली यही होता है कि एक थॉट, एक रूट थॉट होता है, एंड उससे रिलेटेड ये सारे थॉट्स हैं. एंड आपने अगर ये थॉट अपने फ्रेंड से शेयर की, एंड ये अपने मम्मी पापा से शेयर की, तो वो बोलेंगे अरे टेंशन मत लो, उसका कुछ भी होगा तो हम संभाल लेंगे, इतनी टेंशन नहीं की जरूरत. तो अचानक से क्या होगा कि ये प्लस इससे रिलेटेड जो भी थॉट्स थे आपके, ये अचानक से क्या होंगे, आपको दुख देना बंद कर देंगे, गायब हो जाएंगे. बिकॉज आपको पता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इस तरह से जब आप शेयर करते हैं तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मैं जो सोच रहा था, सोच रही थी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी, फर्क नहीं पड़ता. शेयर योर फीलिंग्स, लर्न टू आर्टिकुलेट. सेकेंड थिंग इज कि स्पेशली आर्टिकुलेट करना, यानी पुट समथिंग इन वर्ड्स, किसी फीलिंग को, इमोशन को वर्ड्स में पुट करना इन अ करेक्ट वे. तो आर्टिकुलेट करना मतलब हो गया कि आपको जो अंदर एक्चुअली फील हो रहा है. आपने बहुत लोगों को देखा होगा, इनफैक्ट राइटर्स को, वो किस तरह से एनालॉजीज लेके, फॉर एग्जांपल मुझे उतना ही दर्द हो रहा है जितना फॉर एग्जांपल ठंडे पानी में पैर रखते हुए होता है. तो यू सी कि वो कैसे रिलेट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, जो सामने वाला समझ पाए. दैट्स कॉल्ड आर्टिकुलेशन. अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अच्छे वर्ड्स में पुट करना ताकि सामने वाला समझ पाए. ये हमें सीखना पड़ता है, दिस कम्स विथ एज. बट यूजिंग सिंपल वर्ड्स लाइक मैं सैड हूँ, दैट डजेंट गिव रियल मीनिंग टू जो आपका सुन रहा है. आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि मुझे क्या फील कर रहा है, मैं फील सैड क्यों कर रही हूँ, क्या वो एग्जैक्ट थाट है, एंड वो थाट से मुझे क्या फील हो रहा है, वो थाट से मुझे एक और क्या थाट आ रही है. एंड देन दिस वे वेन यू शेयर योर फीलिंग्स, यू वुड सी एज आई सेड कि आपको कोई हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट सो सीरियस. वॉच इंस्पिरेशनल वीडियोज़. आपके पास यूट्यूब है, आपके पास दूसरे मीडियम्स हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोज़ देखिए, वो आपको हेल्प करेंगे. फिजिकल एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, इनफैक्ट ये दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अभी रिसेंटली हाईलाइट में आए हैं, कि फिजिकल एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, स्पेशली डिप्रेशन के लिए. बिकॉज वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में हारमोन बैलेंस करते हैं, और ऐसे हारमोन्स रिलीज करते हैं जिनसे हमारा जो ये डिप्रेशन वाला थॉट है वो कम होता है या ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. मेडिटेशन इज दी बेस्ट पॉसिबल थिंग, बट मेडिटेशन टाइम लगता है, यू नीड टू लर्न इट. बट इसकी कोई एज नहीं होती, इवन 6 साल का बच्चा मेडिटेट कर सकता है अगर हम उसे सिखाएं. तो यू कैन डू दिस, और यू कैन चेंज योर एनवायरमेंट. कभी कभी क्या होता है कि डिप्रेशन एनवायरमेंट से भी रिलेटेड होता है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको डिप्रेस कर रहा है, एंड विच इज रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेथ हो गई, एंड आपके चहेतों की, किसी नोन पर्सन की, मे बी योर फ्रेंड, यू बी योर रिलेटिव, एंड यू नो दैट पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ दिस, लेट्स से दे फेल समवेयर, तो आपको पता है कि उस घर की उस बैल्कनी से, या लेट्स से वो पर्टिकुलर उनकी डेथ से आपको वो रूम से उनकी डेथ याद आती है कि उनका बॉडी वहाँ पड़ा था. सो वो एनवायरमेंट आपको क्रिएट कर रहा है वो थॉट. सो
अनदर एग्जाम्पल कुड बी, अगर आप अपने स्टडी डेस्क को देखते हैं, उस रूम को देखते हैं जहाँ पे आपने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, आपके चार्ट पेपर्स लगे हुए हैं एंड आप एग्जाम में पास नहीं हो पाए लेट्स से, तो आपको वो डेस्क, वो चार्ट पेपर हमेशा वही चीज़ याद दिला रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो एनवायरनमेंट है वो डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपको उस स्टेट में रहने के लिए। तो यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट, यू कैन गो टू लेट्स से नानी घर चले गए, आप दादी घर चले गए, या रूम का पूरा डेकोरेशन चेंज कर दिया आपने, तो आप एनवायरनमेंट चेंज करने से भी इट हेल्प्स इन सम केसेस। एंड नॉर्मली ये एडल्ट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एडल्ट्स के लिए ज़्यादा ट्रिगर करता है, बट इवन फॉर चिल्ड्रन इट कैन हेल्प। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू कैन ऑल्सो रिसर्च मोर, एंड मे बी आपका कोई तरीका हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, व्हेन आई फील वेरी सैड इफ नॉट डिप्रेस, तो मैं हमेशा कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ। मैं टॉम एंड जेरी लगा देता हूँ बिकॉज टॉम एंड जेरी हमेशा देखने से मुझे लेट्स से खुशी मिलती है, या मैं अपना एक फेवरेट कॉमेडी शो लगाता हूँ हमेशा, तो मुझे हमेशा वो हंसाने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज माई वे ऑफ डीलिंग विद इट। समटाइम्स आई लिसन टू म्यूजिक, समटाइम्स सम पीपल लिसन टू इवन सैड म्यूजिक, सैड सैड फील करते हैं सैड म्यूजिक सुनते हैं, तो इट काइंड ऑफ हेल्प्स। तो यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन राइट योर ओन स्टफ हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तब तक जल्द से जल्द पहुँचें। इस टेक्स्ट बुक के अगले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।